अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। एक ऐसे ही ओजस्वी रचनाकार जिन्हें सुनने के बहुत कम मौके आते हैं, बड़ी मुश्किल से नसीब मिलता है इन्हें सुनने का, ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार को जोरदार तालियों से स्वागत करें, डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। ये मंच बहुत ही सुसज्जित है। इस मंच के सारथी आदरणीय जयप्रकाश जी और इसकी अध्यक्षता कर रहे जय सिंगार्य, दोनों के आगे जय शब्द लगा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, क्या अभिव्यक्ति दी। प्रारंभ में भी जय और यहाँ पर भी जय, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सुसज्जित मंच है। आइए, थोड़ी सी ये बात कही थी अभी आशा शर्मा जी ने कि हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए, शौर्य की बात की जाए। आप लोग अगर चाहते हैं शौर्य की बात की जाए तो एक बार आदेशित करिए तालियों के साथ। सुनिएगा कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती मां भारती, कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम प्यार से पुकारती मां भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती मां भारती, तो शिवा जैसे बेटे और जीजा अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंच दे, हाथ खामोश मत करो, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती, पुलवामा कांड में शहीद प्यारे लाडलों की बार बार आरती उतारती है भारती। अच्छा लगा अब तक बात पहुंची। सुनिएगा, यहां पर महर्षि वेद व्यास वेद प्रचार, वेद के प्रचार व प्रसार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया। मैं एक दो छंद वहां तक कहता हूं, सुनिएगा, कि भारत का मान और गौरव बढ़ाने हेतु कष्ट अपनाने में जो मानता आनंद था, कि भारत का मान और गौरव बढ़ाने हेतु कष्ट अपनाने में जो मानता आनंद था, दुनिया की भीड़ में भी बनी ऐसी पृष्ठभूमि, तारों बीच यामिनी में पूर्णिमा का चंद्र था, तो जड़े हुए मानस में शब्द मानो मोतियों से, जड़े हुए मानस में शब्द मानो मोतियों से, तुलसी का प्यारा जैसे कोई एक छंद था, वेदों की ऋचाओं के प्रचार व प्रसार हेतु आया यह महर्षि वीर दयानंद था, आया यह महर्षि वीर दयानंद था। उन्होंने क्या शिक्षा, बहुत अच्छे भाई, उन्होंने क्या शिक्षा दी, एक दो छंद देता हूं, कि प्रेम सद्भावना का होगा समावेश यहां तब ही प्रकाश होगा तेरी जिंदगानी में, कि प्रेम सद्भावना का होगा समावेश यहां तब ही प्रकाश होगा तेरी जिंदगानी में, जाति पाति छुआ छूत ऊंच नीच वाले शब्द आते नहीं सारे आर्यों की निशानी में, तो उठो आर्य पुत्रो और तोड़ दो जंजीर आज, कि उठो आर्य पुत्रो और तोड़ दो जंजीर आज, फेंको सारे कुविचार दरिया के पानी में, सपने साकार होंगे मात भारती के तभी खून की रवानी होगी देश की जवानी। क्या बात है जी, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। देश में जवानी आज सुप्त हुई दिखती है रक्त के प्रवाह वाले हमें छंद चाहिए, देश में जवानी आज सुप्त हुई दिखती है रक्त के प्रवाह वाले हमें छंद चाहिए, रामधारी सिंह और भूषण सरोज भरे केशव बिहारी हमें घनानंद चाहिए, तो एकता के सूत्र में जो, एकता के सूत्र में जो बांध सके हमें आज, अगली पंक्ति पर आप लोग इसे देना, कि एकता के सूत्र में जो बांध सके हमें आज, देश को कबीर वाले आज बंद चाहिए, कि एकता के सूत्र में जो बांध सके हमें आज, देश को कबीर वाले आज बंद चाहिए, लोगों की भलाई है तो विश्व को भी पीने वाले ऐसे वीर स्वामी हमें दयानंद चाहिए, ऐसे वीर स्वामी। बहुत सुंदर जी, अभी शौर्य पराक्रम से मैंने बात शुरू की थी, जहां पर वेद की बात लिखी थी, मैं आप तक पहुंचा,
आइए वही तक चलते हैं जहां से मैंने बात शुरू की थी। वो सुनिएगा, एक दो छंद आप तक देते हैं। जी स्वागत है। हम अपने उन वीरों की जो हमारे नायक हैं, महानायक हैं, अगर आप किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा नायक कौन है, कोई सलमान खान बताता है, कोई शाहरुख खान बताता है, हमारे नायक कौन है, शिवा, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये हमारे नायक हैं। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका से चले तो उन्होंने कहा मां तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं, तो मां ने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो हल्दी घाटी के मैदान में जाना, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाना, उस मिट्टी को लेकर के आना, मैं उस मिट्टी को अपने माथे से इसलिए लगाना चाहती हूं ताकि मैं ये महसूस कर सकूं आखिरकार उस मिट्टी में ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे कि राणा के 20,000 सैनिकों से अकबर के 2,00,000 सैनिक थरथर कांपा करते थे। वाह क्या बात है। वो राणा, वो हमारे महानायक हैं। 208 किलो वजन लिए हुए, चाहे वो भाला हो, चाहे वो कवच हो, तलवार हो, तीनों का वजन मिला करके 208 किलो पूरे दिन भर चेतक पर सवार हुए युद्ध किया करते थे। दो पंक्तियां कहना चाहता हूं उस महानायक के लिए, आपके तालियों के हाथ उठे, कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता। मेरे लिए ताली मत बजाना, उस महानायक के लिए बजाना। कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झरेगर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी मां के दामन में है लाखों लाल राणा से सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता। ये हमारे नायक हैं, ये हमारे महानायक हैं। शहीद उधम सिंह, वो हमारा नायक, 21 साल बाद लंदन में जाकर के माइकल ओडायर के 3 गोलियां सीने में झोंक करके फांसी के फंदे को चूम करके शहीद हो जाने वाले शहीद उधम सिंह, वो हमारे नायक हैं। एक छंद वहां पहुंचाता हूं, आप तक सुनिएगा। जी स्वागत भाई। कि आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे, तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। कि आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे, तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। वंदे मातरम गीत गाते हुए आगे बढ़ो, तुझको तो होलियों के फाग की कसम है। आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे, तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। वंदे मातरम गीत गाते हुए आगे बढ़ो, तुझको तो होलियों के फाग की कसम है। तो शिवराज राणा वाली, कि शिवराज राणा वाली, आंधियों में नहीं रुके बढ़ते कदम तेरे, तुझको स्वदेश अनुराग की कसम है। वंदे मातरम गीत गाते हुए आगे बढ़ो, तुझको तो होलियों के फाग की कसम है। तो शिवराज राणा वाली लाओ ना बुझ पाए कहीं, और अगली पंक्ति बताना शहीद उधम सिंह हमारा नायक है, महानायक है। शिवराज राणा वाली लौ न बुझ पाए कहीं, अर्जुन के तीरों वाली आग की कसम है। शिवराज राणा वाली लौ न बुझ पाए कहीं, अर्जुन के तीरों वाली आग की कसम है। पापी उस डायर को गोलियों से भेज दिएगा, तुझको तो जलियां वाले बाग की कसम है। क्या बात है। आखिरकार अभी 23 मार्च आने वाली है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा। कि भगत सुभाष शफा को नमन, मेरा देश प्रेम हित यह की अपने काम है। जान दे के आपने बताया देशवासियों को, सुख से भी पहले मेरा देश ये ललाम है। कि भगत सुभाष शफा को नमन, मेरा देश प्रेम हित यह की अपने काम है। जान दे के आपने बताया देशवासियों को, सुख से भी पहले मेरा देश ये ललाम है। तो देश से भी बड़ी कभी होती नहीं जिंदगी है, देश से भी बड़ी कभी, देश से भी बड़ी कभी होती नहीं जिंदगी है। 1 करोड़ जिंदगी भी देश के ही नाम है। देश के ये लाडले दिल में रहेंगे सदा, कोटि कोटि इन्हें पूरे देश का प्रणाम है, कोटि कोटि इन्हें पूरे देश का प्रणाम है। आप आ चुके हैं नमन, जो नादे खुशबू औरों को वो चंदन तो नहीं होता, तपे बिन आग में सोना कभी कुंदन नहीं होता। अगली पंक्ति में उन शहीदों के लिए आपके हाथ तालियों के ठक। जो नादे खुशबू औरों को वो चंदन तो नहीं होता, तपे बिन आग में सोना कभी कुंदन नहीं होता। नहीं है जिनकी आंख में वतन के दर्द का पानी, जमाने में कहीं उसका कभी वंदन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आखिरकार इनके मन में ऐसी कौन सी प्रेरणा है
जो इन्हें पूरा ऊर्जावान बनाए रहती है। हम सभी लोगों को ये तीन रंग वाला तिरंगा, सबसे ऊपर केसर का रंग है, सफ़ेद रंग है, फिर हरा रंग है, ये तीन रंग हमें संदेश क्या देते हैं। इन तीनों रंगों के लिए जब राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, लेकिन जब तिरंगे की बात करें तो सिर्फ तालियों का महोत्सव होना चाहिए। सुनिएगा, कहीं बाबू श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भरे ही जाए। मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी एक शब्द के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए कि केसर का सूर्य के समान ते जवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। कि केसर का सूर्य के समान ते जवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता सुबह शाम है। केसर का सूर्य के समान ते जवान रंग त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता सुबह शाम है। तो हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग, और अगली पंक्ति पर तालियों का महोत्सव करना इस तिरंगे के लिए। कि हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग, धन कुबेर यह करे पुण्य काम है। हरी भरी धरती से, हरी भरी धरती से झूमता ही हरा रंग, धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है। राह दिखलाता यह भारत के लाडलों को, तीन रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है, तीन रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छे। इसी तिरंगे को जब 71 का युद्ध हुआ 65 का, तो हाथ में तिरंगा लिए वीर जब आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। काट काट बैरियों को भारतीय बाकुरु ने, सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। काट काट बहरियों को भारतीय बांकुरु ने, सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। दुश्मनों की छातियों को, दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर घाटी और नीला आसमान थर्रा दिया। दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर घाटी और नीला आसमान थर्रा दिया। राणा वाले वंशजों ने पीठ को दिखाया नहीं, पिंडी और लाहौर में तिरंगा फहराया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाई। और अब अगर फिर युद्ध हुआ तो क्या होगा? देश प्रेम के लिए अनेक वीर हो चुके शहीद, ऐसे वीर भारतीय बलिदानी कहलाएंगे। देश प्रेम के लिए अनेक वीर हो चुके शहीद, ऐसे वीर भारतीय बलिदानी कहलाएंगे। तिरछे जो देखा भूमि भारत को नैनों में, रणबा पूरे सबक उन्हें फिर सिखलाएंगे। तो देश प्रेमियों की जोश भरी ओंकार यह है, देश प्रेमियों की। और अगली पंक्ति पर भैया जी आप बैठ जाइएगा। कि देश प्रेमियों की जोश भरी हुंकार यह है, दुश्मनों के दिल फिर दहलाएंगे। देश प्रेमियों की जोश भरी हुंकार यह है, दुश्मनों के दिल फिर दहलाएंगे। इस बार यदि फिर छिड़ा घमासान युद्ध, पाकिस्तान में तिरंगा हम फहराएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे जी, बहुत सुंदर। एक रचना आप तक देख करके अपना स्थान ग्रहण। स्वागत है भाई। यहाँ पर नारी शक्ति बैठी हुई है, हमारी महानायिका कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। 23 साल की अवस्था में वो शहीद हो गई थी। हीरोज आए, उन्होंने डेरा डाला, तोपों को मुंह किले की ओर कर दिए और रानी लक्ष्मीबाई को ये आदेश भिजवाया, कल सुबह होने तक, पौ फटने तक अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो टिड्डी दल की भांति सेना किले में होगी, जिसकी जिम्मेदार रानी तू होगी। रानी किले के प्राचीर पर जाती है, वो सोचती है जाकर के। वो क्या सोचती है? शाम का वक्त है, तलवार हाथ में है, वो सोचती है ये धरा कभी हरी भरी थी, ये चमन कभी हरा भरा था, यहाँ बुलबुले गीत गाया करती थी, यहाँ यमुना नदी के किनारे कभी कान्हा की बंसी को सुना करते थे, आज वही किनारे सिसक कर कहते, रानी उठा तलवार सिखा दे जालिमों को सबक। रानी की आंखों में आंसू सूख जाते हैं, तलवार के मूठ पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अब उसकी आंखों में जो लालिमा है, वो सूरज अस्त हो रहा था वो लालिमा समान है। अब आप लोग चित्र सामने रखना, वो चित्र सामने रखना कि तोपों के मुंह किले की ओर, और 23 वर्ष की भारत की महानायिका वो क्या सोचती है। अगर आपके दिलों की बात मैंने कह दी हो तो आपका इसमें चाहिए, सुनिएगा, दो तीन छंद सुन लीजिए। चित्र सामने वही रखना कि तोपों के किले की ओर और रानी लक्ष्मीबाई सामने है, वो सोचती क्या है, सुनिएगा।
शीश को उठाया तूने झांसी के किले की ओर, मिट्टी के घड़े समान तोड़ दिया जाएगा। कि शीश को उठाया तूने झांसी के किले की ओर, मिट्टी के घड़े समान तोड़ दिया जाएगा। आंधियों ने रुख किया पावन धरा की ओर, उल्टी दिशा में उन्हें मोड़ दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत। शीश को उठाया तूने झांसी के किले की ओर, मिट्टी के घड़े समान तोड़ दिया जाएगा। आंधियों ने रुख किया पावन धारा की ओर, उल्टी दिशा में उन्हें मोड़ दिया जाएगा। तो बांट दिया तूने हमें छोटे रजवाड़ों में ही, ये बांट दिया तूने हमें छोटे रजवाड़ों में ही, काश्मीर कन्या सब जोड़ दिया जाएगा। आंख को उठाया तूने झांसी के किले की ओर, कसम भवानी उन्हें फोड़ दिया जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर जी, वाह वाह वाजपेयी जी, वाह। हमारी आशा चौधरी जी आ रही हैं आपको माला पहनाने के लिए, सावधान। वाह वाह वाह, मेरी बात है, बहन की जो ये मुझे माला मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीष है। सुनिएगा, अगले दिन वो युद्ध भूमि में जाती है कि मुंह में लगाम लिए दोनों बाजू तलवार, भैरवी सिपहरियों के शीश काटती चली। कि मुंह में लगाम लिए दोनों बाजू तलवार, भैरवी सिपहरियों के शीश काटती चली। बिजली सी चमकी थी घने काले बादलों में, बैरियों के झुंड रानी आग बांटती चली। कि मुंह में लगाम लिए दोनों बाजू तलवार, भैरवी सिपहरियों के शीश काटती चली। बिजली सी चमकी थी घने काले बादलों में, बैरियों के झुंड रानी आग बांटती चली। तो फुफकारती थी वह नागिनी सी उस रोज, कि फुफकारती थी वह नागिनी सी उस रोज, शत्रुओं के मुंड का रुधिर चाटती चली। सिंह पे सवार लगती थी मुंड मालिनी सी, रानी युद्ध भूमि को शवों से पाटती चली। रानी युद्ध भूमि को शवों से, और एक आंख निकल जाती है उसकी, इसके बावजूद भी दो फिरंगियों को उनका वध कर देती है, 23 वर्ष की वीरांगना। गोली खा के भूमि पे गिरी तो बोली अम्बे माँ, जन्म मुझे भारत में बार बार दीजिए, तोड़ दो गुरूर माँ में शत्रुओं का हर बार, शक्ति मेरे बाजुओं में वो अपार दीजिए। कोई भी लुटेरा कभी भारत में आए यदि, उनसे निपटने का मुझे भार दीजिए। काट पाऊं शीश माँ में शत्रुओं का हर बार, विष से बुझी हुई ये तलवार दीजिए, विष से बुझे। और अंतिम छंद यहां तक पहुंचाता हूं, उसमें एक एक का आशीर्वाद, आपके मन में क्या भावनाएं उसके लिए, उसमें कि भारती के मान हेतु तूने बलिदान किया, झांसी को बचाने हेतु शान से लड़ी है तू। कि भारती के मान हेतु तूने बलिदान किया, झांसी को बचाने हेतु शान से लड़ी है तू। नारियों का आन और मान को बढ़ाया तूने, मां भवानी चंडिका की पाद पे खड़ी है तू। कि भारती के मान है तो तूने बलिदान किया, झांसी को बचाने है तो शान से लड़ी है तू। नारियों के आन और मान को बढ़ाया तूने, मां भवानी चंडिका की पाद पे खड़ी है तू। तो देशहित राणा बा शिवा ने इतिहास लिखा, देशहित राणा बा शिवा ने इतिहास लिखा, उसी इतिहास वाले पन्ने पे लिखी है तू। अगली पंक्ति पे तालियों का महोत्सव करना, उस रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की वीरांगना के लिए। देशहित राणा बा शिवा ने इतिहास लिखा, देशहित राणा बा शिवा ने इतिहास लिखा, उसी इतिहास वाले पन्ने पे लिखी है तू। तुलना में तेरे जैसा कोई नहीं दिखता है, शूरवीर नारियों में सबसे बड़ी है तू। छुआवा नारियों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।